आज की जंगल बुक सफारी में हम जानेंगे लंबे कान वाले हेजॉग्स के बारे में, अपने बीचेस को बचाते हुए सॉफ्ट शेल टर्टल और नहाते हुए भालू के बारे में। सब कह रहे हैं नदी पूरी तरह सूख चुकी है और मुझे नहाना है। जब सूखा पड़ता है तब जंगल में हर किसी को अपने हिस्से का पानी मिलकर रहता है, ये जंगल का कानून है। कैंप चटका में रहने वाले मेरे रिश्तेदारों के साथ भी यही होता है। वो रशिया में रहते हैं, गीजर्स की वादियों में। यहाँ बहुत ज्यादा हरियाली और बहुत खूबसूरत मौसम हुआ करता था। ये अपने गर्म गीजर पूल्स की वजह से जाना जाता था। इनमें हम भालुओं को नहाना बहुत पसंद है। कितना मजा आता होगा ना, पता है जब मक्खियाँ या कोई कीड़े काटते हैं तब इस पानी से बहुत राहत मिल जाती है। लेकिन फिर कुछ सालों पहले ऐसी कोई नेचुरल कैलमिटी हुई कि ये जगह हमेशा के लिए बदल गई। अचानक से एक ऐसा तूफान आया कि यहाँ का सब कुछ एक ही झटके में इस तरह तहस नहस हुआ कि यहाँ के रंग रूप ही बदल गए। पूरी जगह कीचड़ से सन गई थी और यहाँ की सारी खूबसूरती, हरियाली, सब कुछ एक सपने की तरह यादों में रह गए। बस कुछ ही सेकंड और इस पूरी जगह का नक्शा बदल गया। मेरे जो रिश्तेदार वहां पर रहते थे, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा। इस तूफान ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। वहां पर उनके लिए न खाना बचा न पानी, और इसीलिए उन्हें यहां रहने की आदत डालनी पड़ी। एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। अरे इतना सन्नाटा क्यों है बेटा, कहां हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ बेटा, कहां हो तुम? खाना और पानी ढूंढने के चक्कर में उन्हें आधे आधे किलोमीटर तक फैले हुए कीचड़ के छोटे छोटे तालाबों से गुजरना पड़ता था। इतना चल पाना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है। वैसे तो भालू को पानी ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उन्हें पानी तुरंत मिल जाता है, लेकिन पानी ढूंढना यहाँ पर मुमकिन ही नहीं था। भालू जब अपने पैरों पर खड़े होते हैं, उनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर जितनी हो जाती है। खाना ढूंढते वक्त भालू अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जो इंसानों के करीब 1 लाख गुना ज्यादा पावरफुल होती है। शेर खान बिल्कुल सॉफ्ट शेल टर्टल की तरह बर्ताव कर रहा है। ये नन्हा शैतान अपने बीच के हिस्से की इस तरह देखरेख कर रहा है जैसे फिलहाल शेर खान पानी की कर रहा है। हाँ, लेकिन बिना कुछ बोले ये किनारों के पास ऐसे ही घूमते रहते हैं ताकि यहाँ पर कोई अनजान ना आ सके, और बीच पर उसी का राज रहे, चाहे वो हिरन हो या और कोई जानवर। ये सॉफ्ट शेल टर्टल बीच के इस हिस्से में किसी को भी नहीं आने देगा, यहाँ तक कि कोई इस इलाके का पानी भी नहीं पी सकता। हिरन जहाँ पर भी जाएगा, टर्टल उस पर अच्छे से निगरानी रखेगा, ऐसे ही पानी के आसपास घूमते घूमते। अब हिरन जरा सा नर्वस हो रहा है और उसका पानी में मछली पकड़ने जाने तक का दिल नहीं कर रहा। अब दिखाता हूँ। ये खेल तब तक चलता रहता है जब तक बाहर से आने वाला खुद उस जगह से चला नहीं जाता। कहाँ गया, भाग गया?
इनका कवच या फिर कह लो सॉफ्ट शेल बहुत ही मुलायम और चमड़े के किस्म का होता है, जो कछुओं की बाकी प्रजातियों से बहुत अलग होता है। लेकिन इन्हें भी इनके रिश्तेदारों की तरह पानी में रहना, बीचेस और धूप बहुत पसंद है। लेक कैंका, जो कि एशिया के सबसे बड़े तालाबों में से एक है, यहाँ रहने वाले सॉफ्ट शेल टर्टल जब भी मौका मिले यूं ही घूमने या धूप सेकने निकल पड़ते हैं। वैसे भी ज्यादातर ये पूरा तालाब पूरे साल बर्फ से ढका होता है, इसीलिए जब भी यहाँ धूप निकलती है ये जमकर धूप सेकते हैं। और यहाँ जितने भी जल्दी पहुँच जाए उनके लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जगह फटाफट हाउसफुल हो जाती है। लेकिन आसपास अगर उनके सीनियर्स हो तो उन्हें बहुत संभल कर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी से पंगा हो गया तो इनके लिए महंगा पड़ सकता है। सॉफ्ट शेल टर्टल्स को अपनी पसंदीदा बीचे शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं, और इसी वजह से काफी बार उनके भी झगड़े हो जाते हैं, जमीन को लेकर झगड़े। मुझे लगा था कि सिर्फ इंसानों में ही ये होता होगा, लेकिन एक बार अगर वो हिस्सा हड़प ले फिर ये आराम से रह सकते हैं जब तक कोई और आकर नहीं रह जाता। सॉफ्ट शेल टर्टल खारे पानी में और मीठे पानी में दोनों जगह रह सकते हैं, यानी कि ये कहीं पर भी, चाहे वो समुंदर हो या फिर तालाब या नदी, कहीं पर भी रह सकते हैं। क्या ये पानी मेरा है? उम्मीद समझ गए होगे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमें कुछ तो करना होगा, अगर किसी को पानी नहीं मिला तो सब मर जाएंगे। जानता हूँ मोगली, पर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर हम रेगिस्तान के किसी जानवर की तरह होते तो कुछ कर पाते। रेगिस्तान में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो कई हफ्तों के लिए बिना पानी के रह सकते हैं, वो भी इतनी गर्मी होने के बावजूद। जरा सोचो कभी हम रह पाएंगे। कहा जाता है कि रशिया के इस खूबसूरत रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े ढेर देखे जाते हैं, करीब 260 मीटर जितने बड़े, कह सकते हैं कि स्काईस्केप पर जितना बड़ा। यहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि जंगल में रहकर तुम इस गर्मी का अंदाजा तक नहीं लगा सकते। यहाँ का मौसम बिल्कुल अलग होता है, वैसे ही यहाँ पर रहने वाले जीव भी। यहाँ पर जीने के लिए इनके पास सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक जानवर है लंबे कानों वाला हेजहॉग। ये कैसा जानवर है जिसे सुबह सुबह ठंडे मौसम में शिकार पर जाना अच्छा लगता है? उनके लंबे कान इनकी स्पेशलिटी है। ये 4 सेंटीमीटर जितना बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाते, इसीलिए दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। और इनकी लंबी टांगों की वजह से लंबे कानों वाले हेजहॉग भागने में भी बहुत तेज होते हैं। ये जब खाना ढूंढने निकलते हैं तभी 8 से 10 किलोमीटर आसानी से घूम लेते हैं। इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। रेगिस्तान में रहने की आदत होने की वजह से पानी पिए बिना ये कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इन्हें खाना ना मिले तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ज्यादातर ये कीड़े खाना पसंद करते हैं। आया, मेरा नाम है मिस्टर मेंटिस, पहनता हूँ वन पीस। खाऊंगा भी मैं आपको वन पीस ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। अगर उनकी नजर शिकार पर पड़ जाए तो वो धीरे धीरे रेत से होकर उनकी तरफ बढ़ते हैं और पलक झपकते ही झपट लेते हैं। कहा था ना मैंने, खाऊंगा मैं वन पीस। जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी और बढ़ती है, ये अपने घरों में घुस जाते हैं। इनके ये टनल की तरह दिखने वाले घर 1 मीटर तक गहरे हो सकते हैं। हेलो, कोई अंदर है क्या? अगर कोई अंदर है तो जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं कब से बाहर वेट कर रहा हूँ। अब ये शांति से आराम कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपर तो सूरज में तपती हुई रेत से पूरा रेगिस्तान जल रहा होगा और अंदर वो शांत से आराम कर रहा होगा। रेगिस्तान का एक और ऐसा जीव है जिसे कहा जाता है मेढक जैसे सर वाला एग्मा। ये सहारा और तिब्बत के बीच पाए जाने वाले रेगिस्तान में रहते हैं। ये खुद को रेत में गायब कर लेते हैं। अरे गायब मतलब खुद को ढक लेते हैं, होते भी तो रेत के रंग के ही है ना। जैसे बाकी के जीवों को खुद का एहसास दिलाना अच्छा लगता है, एग्मास ज्यादातर खुद को छुपाए रखते हैं। ए, कहां गया? बन जाता हूं मिस्टर इंडिया। कहां है? अगर इन्हें खतरा महसूस हो तो ये जल्दी से एक जगह पर पहुंचकर खुद रेत में समा जाते हैं। अंदर देखने के लिए इन्हें अपनी पूरी बॉडी को वाइब्रेट करना पड़ता है, जो बेली डांस की तरह लगता है।
देखो मेरे लटके, देखो मेरे छटके, इस एंगल से भी देखो। वाह वाह क्या बात है, मैं समा गया रेत में, आ गया ऊपर झट से, वापस जा रहा हूँ फट से। लंबे कान वाले हेडहॉग्स अपने शरीर के तापमान को अपने कान की मदद से बैलेंस करते हैं। इनके शरीर में मौजूद नसों की मदद से गर्मी इन पर ज्यादा असर नहीं करती और इनके शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। शेर खान भी अभी सो रहा होगा ना, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। ताकि हम सब पानी पी सके। हाँ बिल्कुल। मेरे पानी से, ये मेरा है। बहुत हो गया इंसान के बच्चे, फैसला हो जाए। अरे देखो बारिश आ गई। बारिश आ गई। शेर खान का तो उल्लू ही बन गया। बताने क्या करना चाह रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। लगता है शेर खान को पानी से डर लगता है। खुद तो डरता है पर दूसरों को पानी नहीं पीने देता। अजीब जानवर है शेर खान।